शुभोदय बच्चा, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम आसमान गिरा पाठ के प्रश्न जवाब लिखेंगे। आप सब आपके क्लास वर्क बुक्स पास में रखिए और मैं बोलती जाती आप पढ़ते जाइए। पेज नंबर 21, 21 पेज नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हेडिंग लिखिए, अब पाठ का हेडिंग और सब हेडिंग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? पेड़ के नीचे खरगोश सो रहा था। पेड़ के नीचे खरगोश सो रहा था। लोमड़ी ने किसे भागते हुए देखा? लोमड़ी ने किसे भागते हुए देखा? लोमड़ी ने खरगोश को भागते हुए देखा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, लोमड़ी ने किसे भागते हुए देखा? लोमड़ी ने खरगोश को भागते हुए देखा। अब दूसरा क्वेश्चन और जवाब भी लिख दीजिए, फिर एक लाइन गैप देके, एक लाइन छोड़ के तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, क्या गिर रहा था? क्या गिर रहा था? जवाब, आसमान गिर रहा था। जवाब, आसमान गिर रहा था। चौथा प्रश्न, यही है तेरा आसमान, यह किसने किससे कहा? यही है तेरा आसमान, यह किसने किससे कहा? जवाब, शेर ने सभी से भालू, हाथी, खरगोश और लोमड़ी से कहा। खरगोश, बालू, हाथी, खरगोश और लोमड़ी से कहा। जवाब, शेर ने सभी से बालू, हाथी, खरगोश और लोमड़ी से कहा। चौथा प्रश्न फिर से, यही है तेरा आसमान, यह किसने किससे कहा? शेर ने सभी से बालू, हाथी, खरगोश और लोमड़ी से कहा। ये चार प्रश्न जवाब आप क्लास वर्क बुक में नीट से एक बार लिख दीजिए बच्चों। नेक्स्ट बिट, अगला बिट खा बिट है। पेज नंबर 21 में खा बिट, किसने किससे कहा? आप टेक्स्ट बुक्स ओपन करके देखिए, किसने किससे कहा, वहाँ आप पेंसिल से लिखते जाओ। नीचे ब्लैंक दिया गया, आप उसमें लिखते जाओ। किसने किससे कहा प्रश्न। पहला प्रश्न, बहन भागो, तुम भी भागो। किसने किससे कहा पाठ में? किसने कहा? खरगोश ने लोमड़ी से कहा।
यह वाक्य किसने किसे कहा, बहन भागो, तुम भी भागो बोल के कौन बोला है? खरगोश ने लोमड़ी से कहा, खरगोश ने लोमड़ी से कहा। आप टेक्स्ट बुक में लिखते जाओ, लाइन में लिखिए, बहन भागो तुम भी भागो का जवाब क्या है? खरगोश ने लोमड़ी से कहा। किसने किसे कहा बोलो तो खरगोश ने लोमड़ी से कहा। नेक्स्ट अगला वाक्य, आसमान को किसने गिरते देखा? यह वाक्य किसने किसे कहा? आसमान को किसने गिरते देखा, किसने किससे कहा? शेर ने सभी जानवरों से कहा। आप सेकंड वाक्य के नीचे ये लिख दीजिए, शेर ने सभी जानवरों से कहा। आसमान को किसने गिरते देखा, किसने किसे कहा? शेर ने सभी जानवरों से कहा। तीसरा वाक्य, ठहरो कहाँ भागे जा रहे हो? ठहरो कहाँ भागे, कहाँ भाग रहे हो? ठहरो कहाँ भाग रहे हो, किसने किससे कहा? जवाब, शेर ने सभी जानवरों से कहा। शेर ने सभी जानवरों से कहा। पेज पलटो, नेक्स्ट पेज, गाबिट सही उत्तर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पेज नंबर 22, 22 पेज नंबर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गाबिट, पहला प्रश्न, आसमान गिर रहा है, सबसे पहले किसने कहा? आसमान गिर रहा है, सबसे पहले किसने कहा? फर्स्ट वन खरगोश ने, सेकंड वन बालू ने, थर्ड वन हाथी ने। किसने कहा? खरगोश ने। खरगोश के यहाँ सही निशान लगा दीजिए। सेकंड वन, शेर से किसने कहा आसमान गिर रहा है? शेर से किसने कहा आसमान गिर रहा है? फर्स्ट वन लोमड़ी ने, हाथी ने, थर्ड वन खरगोश ने, सेकंड वन हाथी ने, सेकंड वन हाथी ने। सही निशान लगा दीजिए वहाँ पर। थर्ड वन, शेर ने डांटते हुए कहा। शेर ने डांटते हुए कहा। फर्स्ट वन, यही है तेरा आसमान। सेकंड वन, दोनों ही। थर्ड वन, ठहरो कहाँ भाग रहे हो? थर्ड वन के यहाँ सही निशान लगा दीजिए, ठहरो कहाँ भाग रहे हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बिट, घाबिट सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। घाबिट सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। फर्स्ट वन, आपकी बार, शेर और जोर से दहाड़ा। दहाड़ा के यहाँ वन नंबर लिख दीजिए, वो ब्लैंक में बाद में लिख दीजिए आप। दहाड़ा के पास नंबर वन लिख दीजिए, एक नंबर लिखिए, दहाड़ा। आपकी बार, शेर और जोर से दहाड़ा। सेकंड वन, आगे आगे खरगोश भागा डैश लोमड़ी। आगे आगे खरगोश भागा डैश लोमड़ी। पीछे पीछे, पीछे पीछे लोमड़ी। समझ में आया? आगे आगे खरगोश भागा, पीछे पीछे लोमड़ी। थर्ड वन, हाथी तो था मोटा डैश। हाथी तो था मोटा डैश, तगड़ा, मोटा तगड़ा।
नेक्स्ट वर्ड न्याबिट, सही या गलत का निशान लगाइए। नीचे पांच वाक्य दिए गए हैं, वो सही या गलत, उसके पास सही या गलत का निशान लगा दीजिए। खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, सही, वहाँ पर सही का चिन्ह लगा दीजिए। सेकंड वन, अचानक जोर से आवाज़ हुई टोई, अचानक जोर से आवाज़ हुई टोई, गलत है, अचानक जोर से आवाज़ हुई, धम बोल के आवाज़ हुई, टाई बोल के नहीं, नहीं का निशान लगा दीजिए। थर्ड वन, हाथी ने सिर हिलाया और बोला, मुझे तो लोमड़ी ने बताया है। हाथी ने सिर हिलाया और बोला, मुझे तो लोमड़ी ने बताया है, नहीं, हाथी को कौन बताया, भालू ने बताया, लोमड़ी नहीं है, नहीं का निशान लगा दीजिए। फोर्थ वन, हाथी ने तीनों को भागते हुए देखा, हाथी ने तीनों को भागते हुए देखा, सही है, हाथी ने खरगोश, लोमड़ी और भालू को भागते हुए देखा, सही है। फिफ्थ वन, आसमान गिर रहा था इसलिए खरगोश डर गया, आसमान गिर रहा था इसलिए खरगोश डर गया था, नहीं, अब पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 में काबिट, एक के अनेक शब्द लिखिए, एक के अनेक शब्द लिखिए, उसका अर्थ क्या है, वचन बदलना, एक अनेक, वन मैनी। फर्स्ट वर्ड, फल, फलो, फल, फलो। सेकेंड वन, पेड़, पेड़ो, पेड़, पेड़ो, पेड़, पेड़ो। शेर, शेरो, शेर, शेरो। फोर्थ वन, आंख, आंखे, आंख, आंखे। फिफ्थ वन, फूल, फूलो, फूल, फूलो। सिक्स्थ वन, नल, नलो। एक बार और एक बार पढ़ती हूँ, आप क्लास वर्क में लिख दीजिए, फल, फलो, पेड़, पेड़ो, शेर, शेरो, आंख, आंखे, फूल, फूलो, नल, नलो। ये बिट आप टेक्स्ट बुक 23 पेज का बिट में लिख दीजिए। नेक्स्ट अगला बिट खा बिट, अब पेज नंबर 23 में खा बिट, नए शब्द बनाइए। आप टेक्स्ट बुक में एक बार देखिए बच्चों, नए शब्द बनाइए, तीन शब्द दिए गए हैं, आप तीन और शब्द खर जोड़कर तीन शब्द और भी बनाना है। पढ़, खेल, उठ, ये तीन शब्द दिए गए हैं, उसको खर जोड़कर तीन नए शब्द बनाना चाहिए। पढ़ कर, पहला वन, पढ़ और खर जोड़ के पढ़ कर, वहाँ पर दिया गया है उत्तर। नेक्स्ट वन, खेल कर, देखिए बोर्ड के ऊपर, खेल कर, खेल प्लस कर, खेल को खर जोड़कर खेल कर बनता है। थर्ड वन, उठ, उठ को खर जोड़े तो उठ कर बनता है, उठ को खर जोड़ने से उठ खर शब्द, नया शब्द बनता है। देखिए फिर, पढ़, पढ़ और पढ़ को खर जोड़ने से पढ़कर, खेल को खर जोड़ने से खेल कर, उठ को खर जोड़ने से उठ खर शब्द बनता है। आप टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए वो अगला बिट।
ठीक है बच्चों, पेज नंबर 23 गाबिट देखिए। चार चार जानवरों के नाम लिखिए, चार चार यानी फोर जानवरों के नाम लिखना चाहे। पहला पालतू जानवर, फिर बाद में जंगली जानवर का। पालतू जानवर बोले तो पेट एनिमल्स, और जंगली जानवर बोले तो वाइल्ड एनिमल्स का चार नेम्स लिखना चाहिए। फर्स्ट वन, पालतू जानवरों में हमारे घर में अक्सर आप देखते रहते हैं गाँव में नहीं तो शहरों में। पहला वन बिल्ली, सेकेंड वन कुत्ता, थर्ड वन गाय, फोर्थ वन बकरी। बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी, आप टेक्स्ट बुक में उसके पालतू जानवरों के नीचे ये चार वाक्य लिख दीजिए, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी। नेक्स्ट जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स के चार नेम है, हाथी, शेर, बाघ, चीता। जंगली जानवर पहला वन हाथी, दूसरा वन शेर, तीसरा वन बाघ, चौथा वन चीता। ये चार नेम जंगली जानवरों के नीचे आप लिख दीजिए। धन्यवाद बच्चों।